धर्म कुमार पहले भी विक्टिम के पिता से पैसे मांग चुका है, गुमराह किया कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, और रेगुलरली इसको पे भी नहीं करता था। इसको लेके भी इसके मन में थोड़ा रोष था कि काम करवाता है पैसा नहीं देता है, तो शायद इसका लालच बढ़ा, इसको लगा। पहला इसमें है धर्म कुमार, धर्म कुमार उर्फ रजनीश यादव, ये राघोपुर से पहले जेल जा चुका है मर्डर के केस में, और सजा याफ्ता होने की टर्म में ही ये बक्सर जेल से भागा हुआ है। तो वहाँ से भागने के क्रम में यहाँ पर छुपा हुआ था और आज ये अरेस्ट हुआ है, तो उस वाले केस में भी ये रिमांड होगा। इसके साथ में था अनिल कुमार, अनिल कुमार पिता वासुदेव राय, ये भी राघोपुर का रहने वाला है, ये भी पहले शराब के केस में जेल जा चुका है। ये इन लोगों ने अपने बच्चे को जक्कनपुर में शंभू कुमार और राहुल के घर पर रखा हुआ था। शंभू कुमार पिता अशोक प्रसाद, ये एकंगा सराय का रहने वाला है, और राहुल कुमार पिता विष्णु प्रसाद, ये जहानाबाद का रहने वाला है। ये दोनों ही हवा हवाई के ड्राइवर हैं और उसी से अपना लालन पालन करते हैं। इन लोगों का पर्पज़ यही था कि अगर किसी तरीके से पैसे मिल जाएँ तो बिज़नेस वगैरह कर लें और अपने पैसे की ज़रूरत को पूरा कर लें। धर्म कुमार पहले भी विक्टिम के पिता से पैसे मांग चुका है और पैसे दिए भी गए थे जब ये लोग नॉर्मल टर्म्स पे थे, जब इनके अंडर काम करता था, पर शायद इसका लालच बढ़ा, इसको लगा कि जो रंजीत जी हैं वो उनको ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, तो उनको प्रेशराइज करने के लिए उसने अपहरण का सहारा लिया और बच्चे को अपहरण किया। सर, किडनैपर लोग ये भी सोचे थे क्या कि अगर नहीं देते तो उसकी बच्चे की हत्या भी कर देते? धमकी यही दी गई थी कि अगर टाइमली पैसा नहीं दिया जाएगा तो गोली मार देंगे। सर, ये जो किडनैपर जो अपहरण किए हैं बच्चे का, वो कितने थे? इन टोटल बच्चे के द्वारा बताया गया है कि जक्कनपुर में उसको चार लोगों ने रखा था और दो ये लोग अनिल और धर्म उसको वहाँ छोड़ने गए थे, तो कुल टोटल छः लोग थे जिसमें से चार लोगों को पकड़ लिया गया है। किडनैपिंग के समय कितने लोग थे सर? किडनैपिंग के समय स्कूल से दो लोगों ने उनको उठाया था, धर्म और अनिल। धर्म चूँकि इसने मैंने बताया कि रंजीश का काम करता था, उनके साथ ही रहता था, तो बच्चे के अच्छे टर्म्स में था, बच्चा उनको अंकल अंकल ही कहता था, तो उसको वहाँ से उठाने में उनको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ी। उन्होंने बच्चे को कन्विंस किया, गुमराह किया कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हारी मम्मी कुछ पैसे जुटाई हैं, कुछ पैसे हम दे देंगे, तो पैसे लेने के लिए आप वहाँ चलो अपने घर पर। तो इस ये कहकर बहला फुसला के बच्चे को साथ में ले गए। ये लोग हथियार कहाँ से लाए थे? हथियार की इसमें आवश्यकता इनको नहीं पड़ी थी, क्योंकि इसमें तो आपको गुमराह करके ही बच्चे को ले गए थे और यहाँ से जक्कनपुर में रख के ये दोनों पार्टी घोषवारी कर चले गए थे, जहाँ पर ये जो धर्म है इसका ननिहाल है। सर, लेकिन हत्या का प्रयोग नहीं हुआ, जो गिरफ्तारी हुई है अमूमन मामला देखा जाता है रंजीत की। हाँ, छूटने के बाद रंजीत से इसकी जनरल मुलाकात हुई, यहीं पे आकर ये रहने लगा, तो रंजीत से इसने काम मांगा कि कुछ काम अगर हो तो मुझे करवा दीजिए। तो रंजीत ने इसे नॉर्मल टर्म्स में ही कुछ कुछ पैसा दे के काम कर रखा, कुछ काम के लिए कुछ पैसा देता था, कुछ काम करवाता था, रेगुलरली इसको पे भी नहीं करता था। इसको लेके भी इसके मन में थोड़ा रोष था कि काम करवाता है पैसा नहीं देता है, और इसके मन में था कि मैं अपनी खुद की दुकान खोल लूँ, धर्म के मन में। अब इसको एक्चुअली 2021 से ये सजा याफ्ता था और ये भागा हुआ था, तो इसको भी कॉन्फिडेंस हो गया था कि शायद मैं ट्रेस नहीं हूँगा। तो इस चक्कर में जानकारी लोगों का अभाव था कि ये बक्सर से भागा हुआ है, तो इसी अभाव में लोगों ने काम पर रख लिया, और इसको कॉन्फिडेंस था कि मैं दुकान खोल के काम भी कर लूँगा तो लोग मुझे पहचानेंगे नहीं, तो जल्दी से पैसा इकट्ठा करने के लिए फिर इसने अपहरण का सहारा लिया। संभू और इसको राहुल को इसके बारे में पता नहीं था कि ये बक्सर जेल से भागा हुआ है? नहीं। आज सुबह लगभग दोपहर 12 बजे मिलर हाई स्कूल के आसपास काफ़ी हंगामा हुआ, जिसमें पुलिस को सूचना मिली कि मिलर हाई स्कूल से एक बच्चे का अपहरण हो गया है। अपहरण की घटना लगभग सुबह 10 बजे की बताई गई है, जब मिलर हाई स्कूल में रिसेस लंच हुआ था, तब बच्चे कुछ लोग बाहर निकले थे, उसी बीच बच्चे का किसी बाइक वाले ने अपहरण कर लिया था। इसको लेकर इनके पिताजी को थाने पर बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई। पिताजी रंजीत पासवान और अठन्नी पासवान, पिता कैलाश पासवान, ये रहने वाले हैं कमला नेहरू नगर कोतवाली में। इनके द्वारा बताया गया कि इनको एक फ़ोन कॉल आया है जिसमें इनसे 6 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है और पैसा न देने की स्थिति में बच्चे को मारने की भी धमकी दी गई है। जो फ़ोन नंबर हमको मिला और जो फ़ोन नंबर इनके पास पहले से उपलब्ध भी था, तो उससे हमको जानकारी मिली कि एक धर्म कुमार नाम का व्यक्ति है जो इनके पिता का जान पहचान में भी था, वो पहले इनके साथ पिता के अंदर काम कर रहा था और वही इनके बच्चे को लेकर चला गया है कहीं, और वही 6 लाख रुपये मांग रहा है।
घटना की अर्जेंसी को और इम्पोर्टेंस को देखते हुए सीनियर सर ने 4 टीमें बनाई और टेक्निकल एविडेंस में भी इसमें हम लोग जुट गए। इस मोबाइल के मूवमेंट को हम लोगों ने देखा और अल्टीमेटली जेसस का मूवमेंट बख्तियारपुर कुसुमपुर के पास आस पर रुका और वहाँ पर हम लोगों ने पहले 2 अपराधियों को अप्रीहेंड किया। इन लोगों ने लेटली बाद में ये भी डिमांड की थी कि जितना पैसा इकट्ठा हो गया हो, 6 लाख नहीं हुआ हो तो 3 लाख ही सही, 3 लाख लाकर पटना जंक्शन पर ट्रेन के द्वारा हम लोगों को दे दिए जाएं और हम लोग गिनती करने के बाद बच्चों को छोड़ देंगे। बट पुलिस की तत्परता से 3 बजे से पहले ही हम लोगों ने न केवल उन लोगों को पकड़ लिया, उनकी निशानदेही पर उन्होंने अपने बच्चे को यहाँ पर जक्कनपुर में रखा हुआ था, तो जक्कनपुर में जिस आवास पर रखा हुआ था वहाँ पर छापेमारी करते हुए इनके बाकी साथी जो थे शंभू और राहुल उनके साथ उन लोगों को अरेस्ट किया और बच्चे की रिकवरी भी की। ये पूरा का पूरा जो एक्शन था ये केवल 3 घंटे के अंदर पुलिस ने ख़त्म किया। बच्चा सकुशल घर वापस पहुंच चुका है और बाकी का जो कानूनी प्रक्रिया है वो हम लोग कल करेंगे, जिसमें बच्चे का बयान वगैरह किया जाएगा।